मेरा खत्म हो गया अरे चलो यहाँ से चलते हैं कल मिलेंगे चलो मेरा खत्म हो गया है अब मेरे को उठने का भी ताकत नहीं है इधर चल मुझे कोई संभालो रे संभालो चलो अरे जिसका चश्मा गिर गया मुझे सब दिखाई दे रहा है आज बहुत टाइम हो गया है तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ मैं अपना घर चलता हूँ क्योंकि मेरी बीवी अगर ज्यादा लेट रहने से गुस्सा भी हो सकती है फोन आएगा ना तो मेरे को बहुत डांटेगी फिर तू अपना घर चले जा तू अपना घर जा मैं चलता हूँ अपना घर आते से जाना भैया ओके घर पहुंचाता हूँ तेरा घर किधर है बता मुझे अस्सी नब्बे सौ अरे यार अरे अस्सी नब्बे सौ हाँ अभी 20 रुपया की कमी है और 20 रुपया में कहीं से लेके और एक क्वार्टर मिलेगा मुझे भैया जी नमस्ते हाँ जी नमस्ते नमस्ते भैया जी नमस्ते क्या कर रहे हो भैया नीचे देख रहा हूँ कि धरती से बता लो कितने दूरी में है ज्यादा मत झांकिए नीचे बलि राजा है कहीं आंख ना फोड़ दे ये धरती मेरी माँ है और ये धरती मेरी जान है ठीक है आप जो बोल रहे हो वैसे ही है आप जाइए ठीक है भैया नमस्ते मैं जा रहा हूँ जाइए और कैसे भैया नमस्ते अरे माय गॉड क्या हुआ भैया ठीक है आपको भी नमस्ते आपको शराब के भी नमस्ते और आपके नमस्ते के भी नमस्ते भैया आप जाइए ठीक है मैं जा रहा हूँ भैया भैया गुड मॉर्निंग ओ भैया गुड मॉर्निंग अरे यार क्या हुआ बता भैया आप तो बड़ी रईस हो ऊंचे खानदान के लगते हो मेरा एक मदद कर दो बोल यार बोल तेरे को क्या चाहिए हैं मुझे 20 रुपया चाहिए अरे यार इतना पी रखे हो और दारू के लिए तड़प रहे हो क्या बताऊं भैया मेरे जले हुए दिल की दर्द भरी कहानी ऐसा क्या हुआ भाई बताओ तो सुनिए भैया मेरी दर्द भरी कहानी एक लड़की थी दीवानी सी मेरे सीने में वो बैठी थी और एक दिन मैं गया था मूवी देखने गदर 2 और मेरे सामने वाली सीट में वो भी बैठी थी मैं देख के बहुत खुश हो रहा था भैया
फिर अचानक से उसके सामने से एक लड़का आके उसके सीट में बैठ गया और उसके नाजुक हाथों में अपने बॉयफ्रेंड को वो पॉपकॉर्न खिला रही थी। मैं पीछे वाला सीट में बैठ के इन दोनों आंखों से साफ देख रहा था। फिर मैं उठ के गया उसके सामने में और पूछा, ये क्या कर रही है तू? तो उसने मुझे उल्टा जवाब दी कि तू कौन है बता, समझ सकते हो भैया। फिर क्या हुआ बताऊं भैया? उसने बोली, मेरा मर्जी है, तू कौन है बता। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया उसी दिन से। मैं दारू पीना चालू कर दिया हूँ भैया, और ये दारू कभी नहीं छोड़ सकता। सच में भैया दुख भरी कहानी है आप। ठीक है भैया, ठीक है, 20 रुपया ले लो, ज्यादा मत पीना भाई, नशा सेहत के लिए हानिकारक है। ओके भैया, तुम मेरे साथ साथ रहना, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये होने नहीं दूंगा माय डियर। अच्छा बकरा बनाया, 20 रुपया मिल गया, मेरा क्वार्टर के लिए हो गया भैया, बाय बाय। हेलो गाइस, आप सभी को हमारे इस वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बता देना कमेंट में। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बना गया है, आप सभी को तो पता है दोस्तों नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज इससे दूर रहे। और बच्चे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नशा से दूर रहे दोस्तों। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक जरूर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।